वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th स्मार्ट क्लासरूम्स वाईफाई कंप्यूटर लैब एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स योगा एंड म्यूजिक वर्धमान अकेडमी रेलवे रोड मेरठ। हाजी इकबाल, हाजी गल्ला, मन्नू कबाड़ी की संपत्ति जब्त करने के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर कबाड़ी इरफान उर्फ राहुल काला की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। कहा जाता है कि हज के बाद गलत कामों से तौबा कर ली जाती है, लेकिन चोरी व लूट के वाहनों की खरीद फरोख्त कर कबाड़ी से करोड़पति व अरबपति बने इन कबाड़ियों में से अधिकांश के नाम के आगे हाजी लिखा हुआ है। वहीं कबाड़ी इरफान राहुल काला के नाम से जाना जाता है। समझा जा सकता है कि कोई अपना नाम मुस्लिम से हिंदू यूं ही तो नहीं रख लेगा। बहरहाल पुलिस ने कुर्क करने के बाद कबाड़ी इकबाल के घर पर भी ताला डाल दिया है। मेरठ के सोतीगंज बाजार में कई दशकों से यह काला धंधा फल फूल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इतनी सख्ती बढ़ा दी है कि कबाड़ियों ने कोई अन्य कारोबार चुनने में ही भलाई समझी है। रोजाना दुकानों से सामान लोहे के भाव बेचा जा रहा है। अब तक 37 कबाड़ियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। बुधवार को एएसपी सूरज राय ने भारी फोर्स के साथ सोतीगंज पहुंचकर कबाड़ी इकबाल की संपत्ति कुर्क कर ली। देखिए, इस क्षेत्र के सभी निवासी ध्यान दें, इरफान उर्फ राहुल काला जो संगठित रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कार्य करता था, इसके ऊपर 10 से भी ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत थे। मुकदमा अपराध संख्या 378/20 थाना सदर बाजार अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में यह प्रकाश में आया कि यह संपत्ति मकान नंबर 94 दक्षिणी सोतीगंज मेरठ जहां हम आज खड़े हैं, यह संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अपराध के बल पर अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय वर्जित घोषित किया जाता है एवं इस संपत्ति में किसी प्रकार का भी प्रवेश वर्जित किया जाता है। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एएसपी सूरज राय ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। इरफान और राहुल काला इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 378/20 थाना सदर बाजार 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था और इस मुकदमे के विवेचना में प्रकाश में आया कि यह संपत्ति मकान नंबर 94 दक्षिणी सोतीगंज मेरठ अभियुक्त इरफान और राहुल काला ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। तो विधिक तौर पे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है। अभी ये अभियुक्त जेल में। सर कितने करोड़ की संपत्ति है, क्या दुकानें हैं, कितनी है और क्या क्या इसके अलावा जब्त किया जा रहा है? सर इसमें नीचे कई सारी दुकानें हैं, कटरा है और ऊपर इसमें 3 मंजिला मकान है, लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें इस संपत्ति के अलावा 3 वाहन और हैं इस अभियुक्त के नाम पर जिनको और जब्त किया जा रहा है। इनको एक दिन पहले नोटिस दिया गया था कि यह संपत्ति के जब्तीकरण का आदेश पारित हो गया है और संपत्ति को खाली कर दिया जाए, इसका अनुपालन इन्होंने नहीं किया और आज इस वजह से इनको यहाँ कोर्ट द्वारा बुलाया गया। सभी सोतीगंज में सर अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है कुर्की की, उसमें टोटल कितना अब तक कुर्की की जा चुकी है? लगभग 55 करोड़ रुपए के संपत्ति के कुर्की के जब्तीकरण का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अभी कितने और बाकी हैं सर?
अभी बहुत सारी संपत्तियों की कार्रवाई और बहुत सारे ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी है, इसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। सर कल भी कुछ कल उसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें फॉरेंसिक टीम को लिखा गया है इंजन की जाँच के लिए। एक बार ये तस्दीक हो जाएगी कि ये चोरी कहीं इंजन है तब कभी इसमें कोई आगे कार्रवाई होगी। मुकदमा हुआ सर उसमें? मुकदमा हो चुका है 411 IPC। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए Firstbytetv। और हाँ, कोरोना एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है, लिहाजा सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें। बने रहिए Firstbytetv के साथ। नमस्कार।